हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि अभी जो है किन किन लोगों को मिल रहा है, क्योंकि जनरल माइनॉरिटी इन लोगों को मौका दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और आज के दिन यानी कि 3 मई तक जो है ये अप्लाई करने के लिए मौका दिया गया था किन को, इस पर बात करेंगे। और पैसा कब तक भेजा जाएगा उस पर भी बात होगी। जिन जिन लोगों का पेंडिंग था उनका स्टेटस चेंज हो रहा है उस पर भी बात होगी, उनको क्या करना है। एंड इसके अलावा जो है पेटीएम फेल्ड लोग, जो यानी कि जिनका पेटीएम में बैंक अकाउंट था उनका पैसा भेजा गया है बट फेल्ड हो गया है, उन लोगों का क्या होगा, क्या करना होगा, ये सभी चीजों पर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि जब भी कोई अपडेट यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड दी जाए इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी कि ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऐसे और जो भी नोटिफिकेशन जो भी चीजें आ रही है सिर्फ SC ST के लिए आ रही थी, जनरल माइनॉरिटी OBC का नाम कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। चाहे जो भी नोटिस आ रहा था, जो भी अनाउंसमेंट किया जा रहा था, इसमें मैंने आपको बताया था और वही चीज हो भी रही है। ओबीसी ये SC ST वाले बच्चों के लिए बोला जा रहा है कि 1.25 लाख SC विद्यार्थियों को अगले महीने मिलेगी छात्रवृत्ति। जिन लोगों का भी करेक्शन करवाया जा रहा है, जिन लोगों का ये सारा प्रोसेस चल रहा है, उनको नेक्स्ट मंथ जो है पैसा आने के चांस है। अभी यहाँ पर देख लीजिए, ये अनुसूचित जाति के करीब 1.25 लाख जो विद्यार्थी छूट गए थे उनको फिर से मौका दिया जा रहा है। और 3 मई तक जो है लास्ट डेट है करेक्शन करने का, जिनका जो जो भी प्रॉब्लम था, चाहे मार्क्स मिसमैच था, रिजल्ट नहीं उस समय आया था, एनरोलमेंट नंबर मिसमैच था, तो ये करेक्शन करने के लिए मौका मिला था SC ST वाले बच्चों के लिए। और उन लोगों ने जो है अपना करेक्शन किया है। करेक्शन करने के बाद आप लोगों को जो है वही प्रोसेस फॉलो करना है कि आपने कॉलेज में इंस्टीट्यूट में जा करके जमा करना है डॉक्यूमेंट एंड देन वहां से फॉरवर्ड होगा। यहाँ पर जो बात आ जा रही है कि ये जिन लोगों का जो है ये 3 मई तक सुधारने का मौका मिला है उसमें और भी कोई कैटेगरी है, तो देखो हमारे पास जितने इंफॉर्मेशन है उसमें हमें तो ना ही OBC ना ही जनरल ना ही माइनॉरिटी के बच्चे नहीं मिले। अगर आप लोगों ने किया है और आपको मौका मिला है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म करना ताकि हम सही इंफॉर्मेशन सभी बच्चों तक पहुंचा सके। जितना भी है अभी SC ST वाले बच्चे कर रहे हैं और वो लोग का जो है हो रहा है, बट वो भी सर्वर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है तब जा करके हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का नहीं भी हो पा रहा है, ये भी चीज है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और ये हम खुद से नहीं बोलते हैं, बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपको बता रहे हैं कि ये चीजें चल रही है। चलिए दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है कि जिन जिन लोगों का पेंडिंग था, ये भी जो आप लोगों को स्टेटस दिखाया जा रहा है ये SC कैटेगरी के बच्चे का है, तो इनका पहले था पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, लेकिन कल से जो है ये स्टेटस चेंज हो गया है और आ रहा है नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड। अब ये इनको, इनके पास टाइम कम है, जो भी बच्चा है भाई मैं आपका नाम थोड़ा सा देख लूँ, रॉबिन सिंह नाम है इनका, SC कैटेगरी के बच्चे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके पास सिर्फ आज का टाइम है, ये स्टेटस अगर अपडेट हुआ है तो आज आप जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म भरिए और फॉर्म भर करके जो है वो आपको आगे फॉरवर्ड करना है, ये काम जल्दी से जल्दी करना है, आज आप फॉर्म भर लीजिए। देखो जो लोग भी SC ST कैटेगरी के हैं और उन लोगों का पेंडिंग लिखा हुआ था और अभी उन लोगों का ये नॉट इंक्लूडेड डिमांड ड्यू टू मास्टर फीस नॉट फाउंड ऐसे कुछ आ रहा है, तो जल्दी से अपना काम कीजिए। एक तरफ से आपको टाइम दे दिया है, एक तरफ से बोलिए कि आपको मौका दिया, क्योंकि पेंडिंग में रह जाता तो आप समझ ही नहीं पाते कि आपका क्या हुआ है। लेकिन मैं बोलूंगी इन लोगों का स्टेटस देखने के बाद जिन भी बच्चों का पेंडिंग है और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लोग फॉर्म भर देना, वो लोग जो है फॉर्म भर देना करेक्शन के लिए, फिर से करेक्शन वाला पोर्टल ओपन करके करेक्शन कर लेना और करेक्शन वाला जाके जमा कर देना। अब इसमें क्या है कि पेंडिंग है, पता नहीं है कि इधर जाएगा या उधर जाएगा, तो बीच में लटक जाओगे। फिलहाल जिन जिन लोगों का ऐसे इस तरह से स्टेटस कर दिया है उन लोगों को यही काम करना है कि फिर से फॉर्म भरना है, मतलब करेक्शन करना है, नॉट फिर से फॉर्म भरना, बट यस करेक्शन करना है, करेक्शन करके सारा फिर से प्रिंट आउट निकालना है एंड कॉलेज में जमा करना है, ये प्रोसेस आप लोगों को करना है जिनका भी ये दिखा रहा है। देखो मैं अभी वीडियो में बता दे रही हूँ, अब इंडिविजुअली जो है इसको लेकर के मैसेज नहीं करोगे, पहले मैं बता रही हूँ। दूसरा जो है आप लोगों का है कि जिन जिन लोगों का पेमेंट फेल्ड हुआ है, चाहे रीजन, ज्यादातर रीजन जो है पेटीएम फेल्ड वाले लोगों का बच्चों का दिखाया जा रहा है, या किसी किसी का DBT नॉट सीडिंग,
यानी कि आधार एनपीसीआई मैपिंग आपने नहीं करवाया था। तो जिनका आधार एनपीसीआई मैपिंग नहीं करवाया था, आप लोग एक बार जाके करेक्ट अपना जो है बैंक से करेक्शन कर लो जो अकाउंट है, क्योंकि इस पर क्लियर इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि आप लोगों का पैसा भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि कुछ जगहों से जब बच्चे अपना कंप्लेंट डाल रहे हैं 1076 पर या PIL कर रहे हैं, तो उनको रिप्लाई मिल रहा है कि उनको पैसा नहीं भेजा जाएगा। लेकिन वाइस वर्सा ऐसे भी बच्चे हैं जिन लोगों का ऐसा किया जा रहा है, तो उनको ये भी बोला जा रहा है कि आप वेट कीजिए, आप लोगों को जो है मई तक आ सकता है। तो अभी आ सकता है जो मे बी वाला सिचुएशन आ गया है। तो जिन लोगों का ध्यान से सुनना, जिन लोगों का भी जिन भी स्कॉलरशिप वाले बच्चों का जिनका भी जो है आधार नॉट सीडिंग ऐसे करके अगर कुछ आया था और आप लोगों का जो है फेल हो गया था, तो वो लोग एक बार जाके अपना आधार जो है एनपीसीआई मैपिंग करवा लीजिए। एनपीसीआई मैपिंग करवा के रखिए, चांसेस है कि आपका आ सकता है। पेटीएम वाले बच्चों का जो है अभी क्वेश्चन मार्क है। देखो क्वेश्चन मार्क दोनों पर ही है, लेकिन ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि आ सकता है। अभी इसमें चांसेस अगर मुझे बोलोगे 50-50 में है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट करेक्ट करके रखोगे तो दोबारा अगर भेजा जाएगा तो आपका भी भेजा जा सकता है। ये चीजें हैं अभी इसमें। इसलिए अब आप बोलोगे कि मैम कहीं पता चला कोई नोटिस आया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो जो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं उन्हीं के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल मना कर दिया जा रहा है कि नहीं आएगा, कुछ लोगों को संतावना दी जा रही है कि नेक्स्ट मंथ आ सकता है। तो बस उस बेस पर हम आपको बता रहे हैं, अदरवाइज कहीं से ऑफिशियल सोर्सेस से जो है ये चीजें अभी तक निकल कर नहीं आई है। वो लोग एकदम चुप है इस मामले पर। अब बातें आप लोग रखोगे, ज्यादा से ज्यादा बात कहोगे, अपना एप्लीकेशन दोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो चांसेस हो सकता है। तो रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं इसमें, ताकि आपका पैसा भेजा जाए। भाई स्कॉलरशिप नहीं आएगा तो आप लोग कैसे फीस जमा करोगे, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए, रिक्वेस्ट करने का तरीका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए, अपने अपने बातें बताइए, सर मेरे साथ ऐसा हुआ। टैग करने के लिए आप लोग जो है स्कॉलरशिप को जो है टैग करेंगे, यूपी स्कॉलरशिप को करेंगे, फिर उसके बाद से जो मिनिस्टर असीम जी जो है उनको आप करेंगे, ऐसे करके आप यूपी के चीफ मिनिस्टर को कर सकते हैं, ऐसे करके आप कुछ कुछ लोगों को टैग करके अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी बातों को सुना जा सके। ठीक है, तो अभी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड यही इन्फॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी, डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। टिल देन टेक केयर।